हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की इनकम एंड कमोडिटीज़ के प्राइस की जानकारी नहीं देता प्राइस एंड इनकम की जानकारी हमें बजट लाइन से प्राप्त होती है जिसकी हेल्प से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम कंज्यूमर इक्वलीविलियम को ज्ञात करते हैं सो so फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स फॉर मोर वीडियोस तो आइए जानते हैं कि बजट लाइन है क्या बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो टू गुड्स के सभी अलग अलग कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जो एक कंज्यूमर अपनी मनी इनकम और टू कमोडिटीज़ के प्राइस को देखते हुए खरीद सकता है और ईच कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर होती है अब ये मनी इनकम क्या है मनी इनकम इज दैट इनकम विच इज़ अनअफेक्टेड बाय एनी फैक्टर सच एज इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पर्सन की टेन थाउजेंड सैलरी है तो यह उसकी मनी इनकम हुई यदि इन्फ्लेशन फोर से फोर पॉइंट फाइव परसेंट हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसकी इनकम भी उतने ही मार्जिन से बड़ी हो इन अदर वर्ड्स अ बजट कॉन्स्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज के उन सभी एक बजट कॉन्स्टेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है जो एक कंज्यूमर गिव इनकम में गिव प्राइसेस पर ख़रीद सकता है अतः हम कह सकते हैं कि बजट लाइन टू गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जिसे एक कंज्यूमर अपनी सारी मनी इनकम खर्च करके खरीद सकता है इसे प्राइस लाइन कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन और लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के नाम से भी जाना जाता है इसे हम एक टेबल एंड ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं सपोज़ कोई पर्सन है जिसकी मनी इनकम एट रुपीज़ है तो वह अपनी सारी इनकम खर्च करके टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन ख़रीद सकता है सपोज़ कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए परचेज करता है जिसमें फ़ोर ऑरेंजेस एंड ज़ीरो बनाना है ऑरेंजेस का प्राइस जो है वो टू रुपीज़ ईच है एंड बनाना का वन रुपीज़ ईच अतः यहाँ फ़ोर ऑरेंजेस ख़रीद कर फोर इंटू टू यानी एट रुपीज़ उसने अपनी सारी इनकम ऑरेंजेस पर खर्च कर दी इसी प्रकार बी कॉम्बिनेशन में वह थ्री ऑरेंजेस एंड और टू बनानाज ओके ऑरेंजेस के प्राइस टू रुपीज़ ईच हैं तो थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स रुपीज़ उसने ऑरेंजेस पर खर्च कर दिए एंड टू इंटू वन यानी टू रुपीज़ उसने बनाना पर तो टोटल तो 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 एट रुपीज़ स्पेंड किए विच इज़ कंज्यूमर्स एंड टायर इनकम इसी प्रकार कॉम्बिनेशन सी एंड डी में एंड ई कॉम्बिनेशन में वह केवल बनानाज परचेज करता है एंड ऑरेंजेस की कोई भी यूनिट परचेज नहीं करता दैट इज़ ज़ीरो हम इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं जिसमें ओ एक्स एक्सेस पर ऑरेंजेस तथा ओ वाई एक्सेस पर बनाना है कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर अपनी होल इनकम ऑरेंजेस की फोर यूनिट्स को परचेज करने में स्पेंड कर देता है कॉम्बिनेशन बी में ऑरेंज की थ्री एंड बनाना की टू यूनिट कॉम्बिनेशन सी में ऑरेंजेस की टू एंड बनाना की फोर यूनिट कॉम्बिनेशन डी में वन ऑरेंज एंड सिक्स बनाना एंड इन कॉम्बिनेशन ई ही स्पेंड ऑल मनी इनकम ऑन बनाना दैट इज एट यूनिट तो बजट लाइन इस प्रकार बनेगी यानी वो प्रत्येक कॉम्बिनेशन को परचेज करने में अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है यदि कोई कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर है तो वह अनअटेनेबल है ठीक है यानी कंज्यूमर की इनकम कम है लेकिन वो कॉम्बिनेशन ज्यादा महंगा है और यदि कोई इसके अंदर है बजट लाइन के अंदर दैट मीन्स इनकम इज अंडर स्पेंड यानी सारी इनकम उस पर खर्च नहीं की गई है बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी दैट इज़ एम इक्वल टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी जहाँ एम मनी इनकम है क्यू ए क्वान्टिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट इज़ ऑरेंजेज एंड क्यू बी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ बी कमोडिटी दैट इज़ बनाना पी ए इज़ द प्राइज़ ऑफ कमोडिटी एंड पी बी इज़ द प्राइज़ ऑफ कमोडिटी बी इस इक्वेशन से हम कंज्यूमर की मनी इनकम क्या कर सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन बी में देखते हैं पी ए कितना है टू रुपीज़ एंड पी बी है वन रुपीज़ क्यू ए थ्री यूनिट्स एंड क्यू बी टू यूनिट्स दस मनी इनकम क्या होगी एम इक्वल टू टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू दैट इज सिक्स प्लस टू यानी एट रुपीज़ यानी कंज्यूमर की मनी इनकम एट रुपीज़ है तो इससे हम मनी इनकम की जानकारी कर सकते हैं बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वे कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल होते हैं ओके नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द बजट लाइन बजट लाइन का स्लोप दोनों गुड्स के प्राइसेस का रेशियो होता है मींस प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड ऑन वाई एक्सेस दैट इज़ माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज़ ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नंबर वन अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नंबर वन है बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है क्योंकि बजट लाइन प्राइस रेशियो को रिप्रेजेंट करती है और प्राइस रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है जैसे पी एक्स यानी ऑरेंजेस का प्राइस टू रुपीज़ पर यूनिट एंड पी वाई यानी बनाना का प्राइस वन रुपी पर यूनिट देन प्राइस रेशियो क्या होगा टू अपॉन वन इक्वल टू टू तो ये ईच कॉम्बिनेशन पर कॉन्स्टेंट है दैट्स वाई बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन नंबर टू बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि एक गुट की एडिशनल यूनिट लेने के लिए दूसरी गुट की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होता है तथा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है नेक्स्ट इज़ शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन बजट लाइन इन एजम्शंस पर आधारित है कि कंज्यूमर की इनकम एंड कमोडिटीज़ के प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हैं बट इनमें चेंज होने की वजह से बजट लाइन में भी चेंजेस होते हैं तो पहला हम देखते हैं चेंज इन इनकम यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है दैट इज़ ए बी टू ए डैश बी डैश यानी अब कंज्यूमर गुड एक्स एंड गुड वाई की मोर क्वांटिटी को परचेज़ कर सकता है अब यदि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है दैट इज़ ए बी टू ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश मीन्स अब कंज्यूमर गुड एक्स एंड वाई की कम क्वांटिटी परचेज करेगा बजट लाइन का स्लोप अनचेंज है क्योंकि गुड्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होता है नेक्स्ट इज़ चेंज इन प्राइज ऑफ़ गुड एक्स एंड गुड बाई तो फर्स्ट कंडीशन है जब दोनों गुड की प्राइजेस में चेंज होता है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है सपोज गुड एक्स एंड गुड बाई दोनों के प्राइज़ में दोनों के ही जो प्राइज़ हैं वो फॉल हो जाते हैं तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है एंड गुड एक्स एंड गुड बाई के प्राइजेज राइज होने पर लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है सेकेंड कंडीशन इज़ इफ़ चेंज इन प्राइज़ ऑफ़ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ़ वाई रिमेन कॉन्स्टेंट यदि वाई के प्राइस में चेंज हो और गुड सॉरी गुड एक्स के प्राइस में चेंज हो और वाई के प्राइस कॉन्स्टेंट रहें मीन्स वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता तो यदि गुड एक्स के प्राइस फॉल हो जाते हैं तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट कर जाती है क्योंकि प्राइस फॉल होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है जिससे वह गुड एक्स की मोर क्वान्टिटीज़ को परचेज कर पाएगा बिकॉज़ हाई हायर रियल इनकम मीन्स हायर परचेजिंग पावर यानी अब वह कम अमाउंट में गुड एक्स की मोर क्वान्टिटीज़ को परचेज कर सकता है यहाँ रियल इनकम की बात हो रही है कंज्यूमर की मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा ओके नेक्स्ट सिचुएशन अगर गुड एक्स के प्राइस राइज़ हो जाए तो कंज्यूमर गुड एक्स की कम क्वांटिटी परचेज़ करेगा क्योंकि प्राइस राइज होने से रियल इनकम कम हो जाती है अतः बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है थर्ड कंडीशन यदि गुड बाई के प्राइजेस में चेंज हो और गुड एक्स के प्राइस कॉन्स्टेंट रहें कंज्यूमर की मनी इनकम भी कांस्टेंट है यदि गुड वाई के प्राइस फॉल हो जाएँ तो राइट वर शिफ्ट क्योंकि गुड वाई की मोर क्वांटिटी परचेज़ कर सकेगा एंड इफ़ गुड वाई के प्राइस राइज हो जाएँ तो बजट लाइन लेफ़्ट वर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि अब वो कम क्वांटिटी परचेज कर पाएगा अतः प्राइस राइज होने से कंज्यूमर कितनी क्वान्टिटी कम क्वान्टिटी परचेज कर पाएगा क्योंकि उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट बजट लाइन थैंक यू सो मच Please like, share and subscribe Learn Economics for more videos. Thank you.